नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? घर में बैठे बैठे ऊब गए होगे, है ना? तो आओ आज ले चलते हैं आपको एक सैर पे। नहीं भाई, मैं किसी बाग बागीचे या मॉल जाने की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो आप कभी भी जा सकते हो। मैं बात कर रही हूँ इतिहास के पन्नों की सैर की। तो चलो चलते हैं आज से 20 लाख साल पहले और देखते हैं कि उस समय इस उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे वो कौन थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। और यह सफर होगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का, और यही है हमारे आज के अध्याय का नाम। पर इसे शुरू करने से पहले चलो समझते हैं कुछ शब्दों के अर्थ, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस सफर के दौरान बार बार होगा। तो बच्चों, पहला शब्द है आखेट, यानी शिकार करना, और आखेटक यानी शिकार करने वाले लोग। दूसरा शब्द है खाद्य संग्राहक, खाद्य यानी खाने वाली चीजें, और संग्राहक यानी इकट्ठा करने वाले लोग। तो खाद्य संग्राहक का अर्थ हुआ खाने के लिए चीजें इकट्ठा करने वाले लोग। बच्चों, तीसरा शब्द है पुरास्थल। पुरास्थल उस जगह को कहते हैं जहां से पुरानी इमारतों, औजारों और बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। अवशेष यानी जो बचे रहे या बाकी रह गए। इसके अलावा एक और शब्द है और वह शब्द है पुरातत्वविद। इसका अर्थ है वह लोग जो इतिहास पूर्व काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अनजाने इतिहास का पता लगाते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है, क्योंकि खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल, दाने, पौधे पत्तियां, अंडे आदि इकट्ठा करते थे। जैसे आप लोग जब घूमने जाते हो तो वापस घर लौट आते हो। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। पर वे ऐसा मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के लिए करते थे, और इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों के लिए रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवर खत्म हो जाते थे, और इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। यही नहीं, कभी कभी जानवर अपने शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले ये लोग भी इनके पीछे पीछे जाते होंगे। बच्चों, यह तो आप सब जानते ही होंगे कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, और इसलिए यह लोग भी मौसम के अनुसार फल फूल की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते होंगे। बच्चों, आप मानते हो ना कि पानी के बिना जिया नहीं जा सकता, इसलिए ये लोग भी नदियों, झरनों, झीलों आदि के पास रहते थे। पर कुछ नदियों और झीलों का पानी सूख जाता था और यहाँ रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें यह सब कैसे पता चला। तो बच्चों, यह काम पुरातत्वविद करते हैं। अब वे कौन होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें आखेटक संग्राहक इस्तेमाल करते थे, और ये चीजें हैं पत्थरों के औजार। हो सकता है कि लोगों ने हड्डियों और लकड़ियों के औजार भी बनाए हों, पर समय के साथ वे नष्ट हो गए हों। बच्चों, इन औजारों के आधार पर पुरातत्वविदों ने काफी कुछ पता लगाया है। उनके अनुसार वे लोग इन औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते होंगे। कुछ औजार लकड़ी काटने के लिए भी प्रयोग किए जाते होंगे।
अब ये लोग कहाँ रहते थे? जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये लोग नदियों, झीलों और झरनों के आसपास रहते थे और रहने के लिए गुफाएं और कंदराएं ढूंढ लेते थे ताकि वे तेज धूप, बारिश और तेज हवाओं से बच सकें। उदाहरण के लिए भीमबेटका नाम के एक पुरास्थल पर, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, जिनमें ये लोग रहा करते थे और उनमें से कुछ गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन्हें शैल चित्र कहते हैं। इन शैल चित्रों में जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है, जो ये दर्शाता है कि ये लोग जंगली जानवरों का शिकार किस प्रकार किया करते थे। अब बच्चों, जब आप चित्र बनाते हो तो क्या बनाते हो? जो आप करते हो या करना चाहते हो, है ना? तो ये लोग भी ऐसे ही चित्र बनाते थे। और एक बात, क्योंकि ये पत्थरों के उपकरण या औजार बनाते थे, इसलिए ये ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब बच्चों, जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण यानी पत्थर, और इसे पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें अधिकतर जानकारी पत्थरों के बने औजारों से मिलती है। इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो बच्चों, पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की, जो कि 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक चला। इस काल को आगे तीन भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। इस काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनाते थे और उनका प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। पुरापाषाण काल के बाद आता है बच्चों मध्य पाषाण युग। यह लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। लगभग इसी समय दुनिया की जलवायु बदलने लगी और पहले के मुकाबले गर्मी बढ़ने लगी। कई जगहों पर घास वाले मैदान बन गए। इससे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इनका शिकार करते थे वो भी उनके पीछे पीछे आए और धीरे धीरे उन्हें इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय के बारे में पता लगने लगा और तब शायद वह इन जानवरों को पालने के बारे में सोचने लगे हों। इस काल में लोगों ने मछली पकड़ना भी सीख लिया था। बच्चों, इस काल में पत्थरों के औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं और क्योंकि यह छोटे होते थे, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ी के मुट्ठे लगे होते थे ताकि इन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। पर बच्चों, इसका मतलब यह नहीं कि पहले जैसे औजार बनना बंद हो गए थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान ने नए नए और बेहतर औजार बनाना सीख लिया था। अगला युग था बच्चों नवपाषाण युग, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ और इस समय में बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, जिनमें प्रमुख थे आग और पहिए की खोज। खेती की शुरुआत भी इसी युग में हुई। अब आइए देखते हैं कि इन नई नई खोजों ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। लगभग इसी समय गर्मी बढ़ने से कई इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज अपने आप उगने लगे थे। लोगों ने इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, और धीरे धीरे वे खुद इन्हें उगाने लगे होंगे। इसी तरह लोगों ने धीरे धीरे जानवरों को भी पालतू बनाया होगा, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने यह जान लिया होगा कि जानवर भोजन का एक चलता फिरता भंडार है। अब उन्होंने किन पौधों को उगाने के लिए चुना होगा और किन जानवरों को पालतू बनाया होगा? तो बच्चों, सीधी सी बात है, लोगों ने उन्हीं पौधों को चुना होगा जिनके खराब होने की कम संभावना हो,
जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, जिनके दानों को फिर से उगाने के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और अगर हम जानवरों की बात करें तो जाहिर है उन्होंने उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया होगा जो ज्यादा खतरनाक न हो। आज भी आपने देखा होगा कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वह जानवर था जंगली कुत्ता, और आज भी कुत्ता सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह लोग पौधे उगाने लगे, जानवर पालने लगे, और पौधों और जानवरों की देखभाल के लिए उन्हें काफी समय तक एक जगह रहना पड़ा, और साथ ही उगाए हुए अनाज को खाने और बीज के लिए संभाल कर रखने के लिए उनके भंडारण की बात सोचने लगी। बच्चों, भंडारण का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। अब इसके लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर अनाज को रखना शुरू किया। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह आखेटक संग्राहक से मनुष्य किसान और पशुपालक बन गया, और इसके साथ ही शुरू हुई बसने की प्रक्रिया, और मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगा, यानी एक जगह रहने लगा। और यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। बच्चों, अब मैं आपको कुछ ऐसे पुरास्थलों यानी जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ से पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और पशुपालकों के होने के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से कुछ पुरास्थल हैं मेहरगढ़, बुर्जहोम और चिरांद। कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम नामक पुरास्थल पर, जो कि वर्तमान कश्मीर में है, जमीन में कई गड्ढे पाए गए हैं, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहां से हड्डियों के औजार, पशु कंकाल, बर्तन और उपकरण आदि भी मिले हैं। इसी के साथ झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। बहुत सारे पुरास्थलों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनकी धार पैनी है और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई गई है। वहां कुछ हड्डियों से बनाए गए औजार भी मिले हैं। कई जगहों से जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहां बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। यही नहीं, ओखली और मूसल जैसे उपकरण भी मिले हैं, जिन्हें अनाज पीसने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। औजारों और उपकरणों के अलावा इन जगहों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें पहले चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और धीरे धीरे लोग उनका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। इस युग में लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे, और इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जाने लगे। पर बच्चों, यह सारे परिवर्तन सब जगह एक साथ नहीं आए। जहां लोग कुछ इलाकों में खेती और पशुपालन करने लगे थे, वहीं कुछ ऐसी जगहें भी थी जहां लोग अभी भी शिकार और चीजें इकट्ठा करके गुजारा कर रहे थे। बच्चों, अब मैं आपको नवपाषाण युग के एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और वह पुरास्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा मैदानी क्षेत्र है। माना जाता है कि सबसे पहले खेती इसी क्षेत्र में शुरू हुई। यहाँ लोग जौ और गेहूं उगाते थे। यहाँ भेड़ बकरियों, हिरण और सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि ये लोग इन पशुओं को पालते थे। मेहरगढ़ से घरों के अवशेष भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ घर चौकोर और आयताकार थे। हर घर में चार या उससे ज्यादा कमरे थे। हो सकता है कुछ कमरे भंडारण के काम आते होंगे।
यहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है और इसलिए वे कब्रों में मरे हुए लोगों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। वहाँ पर मिली एक कब्र में एक मृतक यानी मरे हुए आदमी के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद उसे मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बच्चों, अब हम देखते हैं पाषाण युग के कुछ पुरास्थल। सबसे पहले हमारे पास है भीमबेट का, इसके बाद हुंसगी और कुर्नूल गुफाएं। अब नजर डालते हैं मध्य पाषाण युग के कुछ पुरास्थलों पर। इनमें से प्रमुख हैं ब्रह्मगिरी और आदि चंद्रलूर। और अब देखते हैं नवपाषाण युग के पुरास्थल। बच्चों, आप मेहरगढ़ के बारे में तो जान ही चुके हो, इसके अलावा महागढ़ा, बुर्जहोम और चिरांद भी नवपाषाण युग के पुरास्थल हैं। मानचित्र में इनाम गांव देख रहे हैं, तो बच्चों ये है एक आरंभिक गांव। इसके अलावा यहां आधुनिक नगर जैसे मुंबई और कोलकाता भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, अब वक्त है इस सफर को यहीं रोकने का, पर उससे पहले आओ देखते हैं कुछ सवाल और देते हैं उनके जवाब। सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ वाक्य। आपको बताना है कि ये वाक्य सही हैं या गलत। तो पहला वाक्य है, नवपाषाण युग की झोपड़ियों को गर्तवास कहते हैं। तो बच्चों, ये वाक्य गलत है, क्योंकि गर्तवास झोपड़ियों को नहीं बल्कि जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए हुए घरों को कहा जाता है, जिनमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। दूसरा वाक्य है, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक चला। तो बच्चों, यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं तीसरा वाक्य, नवपाषाण युग के औजारों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। तो बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत। यह वाक्य गलत है, क्योंकि माइक्रोलिथ नवपाषाण युग के औजारों को नहीं बल्कि मध्य पाषाण युग के औजारों को कहा जाता है। चलो अब देखते हैं चौथा वाक्य, आग की खोज नवपाषाण युग में हुई। तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आखिरी वाक्य, दुनिया की जलवायु मध्य पाषाण युग में बदलनी शुरू हुई। तो बच्चों, हमने देखा कि जलवायु लगभग 12,000 साल पहले बदलनी शुरू हुई थी और यही समय था मध्य पाषाण युग की शुरुआत का। तो ये वाक्य भी है बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल, जिनका आपको एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उन्हें क्या नाम दिया गया है? इसका जवाब है आखेटक संग्राहक। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल के बारे में हमें अधिकतर जानकारी किस चीज से मिलती है? तो बच्चों, इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है पत्थर के औजारों से। बहुत अच्छे। आओ देखते हैं तीसरा सवाल, गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें कहते हैं शैल चित्र। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल, जिस स्थान से हमें औजारों, बर्तनों और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, उन्हें पुरास्थल कहते हैं। अब देखते हैं पांचवा सवाल, बुर्जहोम नाम का पुरास्थल कहाँ है? तो बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब। चलो अब मिलान करते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को सही वाक्यों से मिलाना है।
पहले हम पढ़ते हैं ये शब्द और उनके साथ दिए गए वाक्य। नवपाषाण युग। ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए घर। भीमबेटका खेती और पशुपालन की शुरुआत। चिरांद नवपाषाण युग का पुरा स्थल। मेहरगढ़ गुफाओं में बने शैल चित्र। बुर्जहोम आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष। आओ अब इन शब्दों को जोड़ते हैं सही वाक्यों से। नवपाषाण युग को हम जोड़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत से। भीमबेटका को हम जोड़ते हैं गुफाओं में मिले शैल चित्र से। चिरांद जुड़ता है नवपाषाण युग के एक पुरा स्थल से। मेहरगढ़ जुड़ेगा आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष से। और अंत में बुर्जहोम जुड़ेगा ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए घरों के साथ। तो बच्चों कैसी लगी पाषाण युग की सैर? बिल्कुल अलग थी ना? मुझे पूरा विश्वास है आपको इस सफर के दौरान खूब मजा आया होगा और साथ ही बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, है ना? आज के लिए इतना ही। हम अपने इस सफर को जल्द ही आगे बढ़ाएंगे और फिर मिलेंगे इतिहास के कुछ और रोचक पन्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।